सिंह के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा है कि कोई भी विधायक को इस तरह की बात करनी है तो फोरम संगठन में कहना चाहिए। बता दें कि बृहस्पति सिंह ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री बीजेपी के कब्जे में है और ट्रांसफर के लिए अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, अधिकारियों पर मंत्रियों का नियंत्रण नहीं है। जहाँ तक श्री शंकर भट्ट जी उसकी बात यदि करें तो ये रमन सिंह जी के स्टाफ में थे जब केंद्रीय मंत्री, उसके बाद नानवी नीति उन्होंने किया था और लगातार इनको संरक्षण मिलता रहा और उन्हीं के आदमी के द्वारा उन्हीं के खिलाफ 1964 का बयान दिया गया तो इसमें षड्यंत्र कहाँ से, क्योंकि जो इनके बीच में जो मिली भगत थी वो उजागर हो गया है। तो रमन सिंह जी ये कहते हैं कि अपराधी के बयान पर अपराध दर्ज किया गया है। तो रमन सिंह जी उस समय सोए थे जब पी चिदम्बरम के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध हुआ, आज वो जेल में है, बेल भी नहीं मिली, वो भी एक अपराधी के बयान पे कार्रवाई हुई है। नान घोटाले में शिव